नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं, यहां पर आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से। एआईसीसी में प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा हैं। प्रदेश से आए कई कार्यकर्ताओं से दोनों ने मुलाकात की है। सूची को लेकर दोनों नेता आज भी रुके हैं दिल्ली में। आपको बताएं कि एआईसीसी में यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है, वहां पर प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। प्रदेश से आए कई कार्यकर्ताओं से दोनों ने मुलाकात भी आईसीसी मुख्यालय में की है और कार्यकारिणी की जो सूची आने वाली ही है उस सूची को लेकर दोनों नेता आज भी रुके हैं दिल्ली के अंदर ही। तो तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज भी दिल्ली में है। एआईसीसी में आज दोनों नेताओं ने प्रदेश से आए कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जो सूची बहुप्रतीक्षित सूची से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची जो कि कार्यकारिणी का विस्तार होगी उसमें कुछ सचिवों के, कुछ महासचिवों के और साथ में बचे हुए जिलाध्यक्षों के नामों की सूची आने वाली है, उसको लेकर आज दोनों नेता दिल्ली में ही हैं। तो एआईसीसी में महामंथन का दौर आज जारी रहा। सूची को लेकर जो चर्चा है वो भी यहां पर हुई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा और साथ में पीसीसी चीफ डोटासरा दोनों नेता आज भी दिल्ली में रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। और एआईसीसी में आज दोनों नेता रुके, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एआईसीसी मुख्यालय में। कल भी बड़ी बैठकों का दौर चला था जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे थे और प्रदेश कांग्रेस के 29 नेताओं के बीच ये बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री वर्चुअली रूप से जुड़े थे वीसी के जरिए और आज ये दोनों नेता यहां पर रुके हुए हैं और इंतजार इस बात का है कि कब ये सूची आती है, क्योंकि इनकी तरफ से सूची को आंशिक संशोधन के बाद सौंप दिया गया था। अब इंतजार है कि सूची आईसीसी की तरफ से कब यहां पर जारी की जाती है। और निजाम कंटाली हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे सीधा। निजाम, कांग्रेस की सूची को यदि हम बहुप्रतीक्षित सूची कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी लोगों का इंतजार है इसका कि कब ये सूची आएगी और इसको लेकर दोनों जो नेता हैं वो यहीं पर मौजूद हैं।